आज हम देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन DSRO के ऊपर, जो कि है स्टेयरकेस ट्रैवर्सल। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेयरकेस गिवन है, नॉर्मल स्टेयरकेस जो कि आप रोज़ अपनी लाइफ में देखते ही होंगे। और इस स्टेयरकेस में हमें स्टेयरकेस की हाइट गिवन है। ये हाइट एक्चुअली हमें नंबर ऑफ स्टेप्स डिनोट कर रही है, और इसके साथ हमें एक मैक्सिमम स्टेप गिवन है, जो कि ये डिनोट करता है कि हम एक बार में मैक्स टू मैक्स कितने स्टेप्स जंप कर सकते हैं। और वॉट वी हैव टू फाइंड इज़ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज जिसमें हम ये स्टेयर केस क्लाइंब कर सकते हैं यूजिंग दिस मैक्स स्टेप कंडीशन। सो इन दिस केस जब हमारे पास मैक्सिमम जिसमें हमारे पास हाइट 4 दी हुई है और मैक्सिमम स्टेप 2 दिया हुआ है, तो इसमें द नंबर ऑफ वेज आर 5। कैसे? तो ये ऐसे कि तो यहाँ पे हमारे पास टॉप तक जाने के लिए ये 5 ऑप्शन है। या तो विल गो फ्रॉम 1 1 1 1, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे एक बार में, या तो पहले 1 फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, देन 2 स्टेप जंप्स करके फोर्थ स्टेप पे, या तो 1 2 1 2 1 1, या 2 और 2। यही 5 ऑप्शंस है जो कि हम अचीव कर सकते हैं टू क्लाइम दिस स्टेयरकेस ऑफ हाइट 4 यूजिंग आवर मैक्सिमम स्टेप 2। तो विल बी सीइंग हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग DSNLO। सो फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी लुकिंग एट द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन क्लाइंब ईच स्टेप। मतलब इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, जो कि हमेशा DSRO में होता ही है। और विल बी स्टार्टिंग विद अ रिकर्सिव सॉल्यूशन जो कि हम अभी देखने वाले हैं, और इसके बावजूद भी हमारे पास 3 से 4 और सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले एक रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या यहाँ पे हमें कोई रिलेशन मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0th step पे जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। अगर हमें पहले स्टेप पे जाना है तो एक ही तरीका है हमारे पास कि हम पहले स्टेप पे खड़े हो जाएंगे। इसके बावजूद या इसके अलावा स्टेप नंबर 1 पे जाना है हम स्टेप नंबर 0, जो हमारे पास मैक्स स्टेप 2 है। व्हाट डज मैक्स स्टेप 2 मीन्स? मैक्स स्टेप 2 मीन्स या तो हम 1 step जाएंगे या तो हम 2 step जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब हम 0th step पे है और हमें स्टेप नंबर 1 पे जाना है, तो द ओनली वे इज टू क्लाइंब अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास वेज है 1। अब जब हमें 2 पे जाना है तो हमारे पास 2 वेज है। या तो हम 1 और 1 जाएंगे, या तो हम स्ट्रेट 2 जाएंगे 1 एंड 1, और या तो सीधा 2, क्योंकि हमारे पास ये मैक्स स्टेप 2 हेल्प करेगा इस कंडीशन में। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है 2। ऐसे में ब्लैक से सिमिलरली जब हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे तो 1 1 1, या तो 1 एंड 2, या तो 2 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। और जब हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे तो वही ये 5 ऑप्शन है। बट ये हमें 5 ऑप्शन मिल कैसे रहे हैं? ये 5 ऑप्शन हमें मिल कैसे रहे हैं? अगर आप यहाँ पर एक कॉमन रिलेशन देखें या कॉमन बिहेवियर देखें, तो वी कैन सी कि पहले यहाँ पे 0 से लेके 1 पे जाने के लिए हमारे पास 1st step था, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2nd step था। ये 0 और 1 को अगर हम बेस केस लेके चलें, और फिर हम बात करेंगे हमारे पास हमें 2 पे जाना है तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं मैक्स टू मैक्स। तो जो हमें यहाँ पे कॉमन बिहेवियर दिख रहा है वो है ये है कि 0th step के नंबर ऑफ स्टेप और 1st के नंबर ऑफ स्टेप को ऐड कर देंगे तो हम 2nd के आंसर पर पहुँच जाएंगे टू फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ वेज हैं टू गो टू 2 व्हेन वी हैव अ मैक्सिमम स्टेप ऑफ 2। और इसीलिए जब हम 3rd step की बात करेंगे, 3rd step में हम ये देखेंगे कि जो स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 1 है वहाँ पे मैक्सिमम स्टेप्स कितने थे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें स्टेप नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम स्टेप नंबर 4 का देखना चाहते हैं तो हम स्टेप नंबर 4 में ये देखेंगे कि स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 2 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है वो हमने कैसे अचीव किए हैं और कितने नंबर में है, और उन्हें ऐड करेंगे तो हमें स्टेप नंबर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे
फाइव ही आंसर आएगा। अब इसे दूसरे एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। और एग्जांपल अब हमारे पास स्टेयर केस की हाइट तो सेम है, स्टेयर केस की हाइट हमारे पास अभी भी फोर ही है, बट जो मैक्स स्टेप है वो थ्री है। तो अभी तक जो जब मैक्स स्टेप टू था, जब मैक्स स्टेप टू था तो हम रिकर्सिव कॉल करते थे, जो जिस भी हम स्टेप पे होते थे उसके माइनस वन पे, और ऐड कर देते थे माइनस टू वाले के साथ। अब जब हम मैक्स स्टेप थ्री पे हैं तो रिकर्सिव कॉल ऑफ एस माइनस थ्री प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ एस माइनस टू प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ एस माइनस वन, और ये हमें दे देगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच एट दैट स्टेप। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करके दिखाते हैं इसे। ये रहे हमारे चार स्टेप, और इस बार हमारे पास मैक्स स्टेप थ्री है, यानी कि या तो वन एक बारी में, या तो टू एक बारी में, या तो थ्री एक बारी में। तो अब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, या तो सबसे पहला जीरो स्टेप जाने के लिए हमें कितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका है, जाके जीरो स्टेप पे खड़े हो जाएंगे। जब हमें फर्स्ट स्टेप पे जाना है तो कितने तरीके हैं, अभी इसमें से हमें सिर्फ ये हेल्प कर सकता है फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। सेकेंड स्टेप पे जाना है तो अब हमारी हेल्प कौन कौन कर सकते हैं, वन कर सकता है और टू कर सकता है। तो अगर वन पे जान सेकेंड स्टेप पे जाना है तो अब हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, वन एंड डायरेक्टली टू, हमारे पास दो तरीके। ओके, अब हमें स्टेप नंबर थ्री पे आना है। स्टेप नंबर थ्री पे आना है तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे स्टेप नंबर टू का, स्टेप नंबर वन का और स्टेप नंबर जीरो का, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास चार तरीके आएंगे, चार तरीके आएंगे या नहीं आएंगे ऐसे चेक कर लेते हैं। स्टेप नंबर थ्री पे जाना है, मैक्स स्टेप थ्री है, और तो हमारे पास कितने वेज हैं, या तो हम वन 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 जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, या तो वन वन वन, या फिर हम वन टू, या फिर टू वन, या फिर थ्री, यही चार तरीके हैं हमारे पास। इसी तरीके से जब हमें स्टेप नंबर फोर पे जाना है तो स्टेप नंबर फोर पे कैसे जाएंगे, सिंपल तरीके हैं, सिंपल है लॉजिक, वही रिकर्सिव कॉल ऑफ एस माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन। सो देयर आर सेवन वेज टू क्लाइम द स्टेप ऑफ टू क्लाइम द स्टेयरकेस ऑफ हाइट फोर व्हेन वी हैव अ मैक्स स्टेप ऑफ थ्री। ओके, तो अब एक बार इसके कोड का ओवर थ्रू भी ले लेते हैं। सो जो मेन पार्ट है हमारा, वो मेन पार्ट यही है कि व्हाट वी लुक एट इज द मैक्स स्टेप मैक्स स्टेप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैक्स स्टेप हमारा नेटेड बी एस, और वी हैव अ हाइट, हाइट भी कुछ भी हो सकती है नेटेड बी एन। तो पहले काम करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास हाइट एन है, स्टीयर केस की हाइट एन है, तो अब हमें अगर किसी भी
फाइंड करना है। एक बारी को हम क्या करते हैं, इसको टू के लिए समझाता हूँ मैं आपको पहले। और ये हाइट है हमारे पास, लेट इट बी फोर जो हमने पहले लिया था, तरीकर से या फिर जो हमारी हाइट फोर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड की थी हमने, रिकर्सिव कॉल ऑफ थ्री प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ टू, ठीक है। रिकर्सिव कॉल ऑफ थ्री कैसे फाइंड करेंगे, टू प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ वन। टू कैसे फाइंड करेंगे, रिकर्सिव कॉल ऑफ वन प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ जीरो। सिमिलरली यहाँ पे रिकर्सिव कॉल ऑफ टू कैसे फाइंड करेंगे, रिकर्सिव कॉल ऑफ वन प्लस रिकर्सिव कॉल ऑफ जीरो। तो जब हम इस पोजीशन में पहुँच जाएंगे, हमारे सारे बेस केसेस यहाँ पर हैं। बेस केसेस यानी यहाँ पे हम उसे कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमें सिंगल स्टेप यूज़ करना पड़ना है, सिंगल वे है हमारे पास उस जगह पर पहुँचने के लिए। वन के लिए भी वन था, जीरो के लिए भी वन था, वन वन वन। तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कितना टाइम लगेगा हमें उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर हाइट फोर है, ये हाइट फोर है और हमें पूरा पूरे इस ग्राफ को ट्रैवर्स करके नीचे तक आना है टू फाइंड दिस, क्योंकि अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है तो ये दोनों फाइंड करने हैं, और पूरा जो ट्री की डेप्थ है, अगर लेट इट बी एन कि हमारी जो ट्री की डेप्थ बन रही है वो एन की बन रही है, तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी मैक्स स्टेप को अगर एस ले लें तो एस चल नहीं रहा, एस टू द पावर एन, यहाँ पे एस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप है और एन हाइट ऑफ स्टेयरकेस है या फिर डेप्थ ऑफ दिस ग्राफ है, क्योंकि अगर हमें हाइट फोर का पता करना है तो थ्री और टू को पता करना पड़ेगा, थ्री और टू का पता करना है तो थ्री और टू का रिस्पेक्टिवली पता करना पड़ेगा, तो थ्री का करना है तो टू और वन का, टू का करना है तो वन और ज़ीरो का। तो एक तरीके से हम उतना ही ट्रैवर्स कर रहे हैं जितना हमारे स्टेयरकेस की हाइट है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है अगर हम इसकी बात करें तो, ये तो आप कभी भी इंटरव्यू में नहीं बताने वाले। ये फिर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, और इसके साथ आप आगे बढ़ते बढ़ते एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक और डेटा स्ट्रक्चर बनाएं जहाँ हम ये सारी वैल्यूज़ स्टोर कर लें, टू की, वन की, ज़ीरो की, थ्री की, कि हमें बार बार वो कैलकुलेट करने के लिए नीचे ना जाना पड़े और हमारे पास सीधा हम अपने आंसर को फाइंड कर सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।